जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा सफाई के केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची भिंड। दतिया से इटावा जाते समय कुछ समय के लिए सर्किट हाउस भिंड में रुकी, जहां तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। इटावा के उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वे एक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंच रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि भिंड जिले की सिंध और कुंवारी नदी की विकास के लिए कार्य योजना बनाई है। नदियों के पानी को किसानों की फसल की सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने नदी में हो रहे अवैध उत्खनन की बात कही और कहा कि रेत माफिया को पॉलिटिकल संरक्षण मिलना बंद होगा, तभी अवैध उत्खनन रुक सकता है। राम मंदिर निर्माण पर बोली कि न्यायपालिका करेगी जन भावनाओं का सम्मान, संत हो या सामान्य जन, हर व्यक्ति राम मंदिर के निर्माण को चाहता है। वहीं अपने चुनाव न लड़ने के बयान पर अभी भी अड़े हैं उमा भारती। कार्य योजना निश्चित रूप से सबके लिए बनी है, बल्कि यहां तो पूरे पचनदा के लिए कार्य योजना बनी है। पचनदा में यमुना जी भी थी और यमुना जी की जो नदियां हैं वो भी। क्या विकास योजना है? ये था कि इन नदियों को इनके जल का उपयोग यहाँ के सूखा को निपटाने के लिए हो और नदियों में जल का प्रवाह बना रहे, इसलिए डीसिल्टिंग। अटल जी की जो योजना थी नदी जोड़ो की, उस वो कहाँ तक मूर्त रूप लेते दिखाई दे रही है? नितिन जी बोलेंगे क्योंकि मैं 1.5 साल से उसकी मंत्री रही। जी जी जी। तो जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या थोड़ा सा जगह दे दें भैया, भैया हट गया ना, बस वही नहीं, वही जाना पड़ेगा तब तक आप लोग। मतलब मेरा मतलब ये है, ये जो सिंध नदी है हमारी पूरी तरह से अस्तित्व खो रही है धीमे धीमे, और कुआरी बिल्कुल ऐसा नाला लगने लगा। इसका मुख्य कारण है सिल्ट, जो गाद जमा हो जाती है नदियों में, और वो गाद जो है वो हटाई जाए, इसके लिए पूरी कार्य योजना बनी है और वो राज्यों को रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्यों को ये काम करना है दीदी, उत्खनन को रोकने का एक ही उपाय है कि जो खनन करने वाले लोग हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण ना मिले जी, फिर रुक जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब न्यायपालिका निर्णय करेगी, वो ठीक ही कह रहे हैं जी। अध्यादेश तभी आ पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात से हम पूर्णतया सहमत हैं जी। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ये है कि पूरा देश राम के मंदिर का निर्माण देखना चाहता है जी। तो माननीय कोर्ट भी जन भावना को समझते हुए जल्दी सुनवाई करे। दीदी की दो भूमिकाएं, एक केंद्रीय मंत्री और एक संत है देश की जानी मानी, एक संत की भूमिका में क्या मांग है आपकी राम मंदिर को? उसमें मैं जो राम मंदिर की जो मांग है ना जी, वो संतों गृहस्थ सबकी जी जी जी, वो गृहस्थों की भी, राम का नाम सब लेते हैं, सब पार्टियों के लोग लेते हैं। मोदी ने जो परिवर्तन किए हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो चुनावी लाभ की दृष्टि से नहीं किए, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किए जी। इसमें काला धन एक बहुत बड़ी समस्या थी, भ्रष्टाचार काले धन को जन्म देता था, और जब लोग काले धन का उपयोग कर ही नहीं सकेंगे, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, नंबर एक में हो जाएगी, तो थोड़ा तो शुरू में तो कष्ट होगा, लेकिन जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जिमी शिशु तन व्रण होए गुसाई और मात चुराए कठिन की नाई,